हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी। आज मैं आप सभी के साथ वन ईयर बेबी का कोलाज शेयर करने जा रही हूँ। वो मेरी बेटी का है, बट ये एज अ सजेशन के लिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप किसी भी बेबी को बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं वन ईयर वाले को, या आप अपने बेबी के लिए ही बनवाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप इसे खुद बनवा सकते हैं। तो मैंने जहाँ से बनवाया, अगर आपको बनवाना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ का नंबर भी जो है वो शेयर कर दूँगी। तो ये जो कलाज है गाइस, ये जो है हैंड क्रिएटेड है, मतलब कि उसने खुद पिक्स निकलवा कर लगाई हैं, खुद बनाया है। बहुत सुंदर कोलाज है। 1 साल के बच्चे की मेमोरीज रहती हैं इसके अंदर। क्या होता है कि फ़ोटोज़ जो होती हैं वो हमारी कई बार फ़ोन में डिलीट हो जाती हैं, तो ये एक वन ईयर मेमोरी कोलाज है। और मेरी बेटी को उसकी मासी ने गिफ्ट किया, तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी अपने बेबी के लिए किसी भी ईयर का, मतलब अपनी एनिवर्सरी से रिलेटेड कुछ भी जो है वो बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिस कोलाज के बारे में बात कर रहे थे वो कोलाज ये आपने देख लिया होगा। इसके ऊपर जो लिखा है माय फर्स्ट ईयर कोलाज। इसमें जो गाइस सबसे पहले फ्रेंड्स फोटोज लगी है वो है न्यू बॉर्न, जब मेरी बेबी जो है घर पर लेकर आए थे हॉस्पिटल से, ये तब की पिक है, न्यू बॉर्न की फ़ोटो लगाई हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हमने उसका 1 मंथ का बर्थडे बनाया था, तो ये उसके 1 मंथ की पिक है, न्यू बॉर्न के नीचे ही लगाई है, जस्ट ये मेरी और मेरी बेबी की है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये उसकी 2 मंथ की मैंने पिक खींची हुई थी, तो ये उसके 2 मंथ के, जो वो 2 मंथ कंप्लीट कर चुकी थी, इसके नीचे लिखवाया भी है कि वो 2 मंथ की हो चुकी है। नेक्स्ट पिक आप देख रहे होंगे ये 3 मंथ की है फ्रेंड्स, तो जब वो 3 मंथ कंप्लीट कर चुकी थी, और ये पिक जो है उसकी वृंदावन की, उसकी नानी के हाउस की है, और इसमें ये बिल्कुल परी जैसी लग रही है। फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर देना इसको। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये 4 मंथ की पिक है, इसमें हमने इसको राधा रानी बना रखा है, और ये झूले के अंदर बैठी है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जैसे आजकल कैरी कोट चल रहे हैं, तो उसमें इसको बिठा रखा है, बहुत क्यूट सी लग रही थी, राधा रानी वाले ड्रेस पहनाई थी इसको हमने इसमें। नेक्स्ट जो इसकी पिक है वो 5 मंथ इसने कंप्लीट कर लिया था, तब की पिक है। अब ये जो था कि अपने पैर जो अच्छे से मोड़ने लग गई थी, मतलब पलटियाँ खानी शुरू कर दी थी उसने, उसकी स्माइल देखो आप कैसी, कितनी प्यारी सी स्माइल दी है उसने। नेक्स्ट इसकी जो पिक आएगी फ्रेंड्स ये उसकी 6 मंथ की आ जाती है, जब ये प्रॉपर इसने बैठना अपने आप से शुरू कर दिया था, तो हमने इसको सोफे पर बिठा कर अच्छे से उसको कैप वैप लगा कर फोटो खींची हुई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर उसका 6 मंथ का बर्थडे बनाया गया था। इसके बाद जो पिक लगाई थी वो हमने 7 मंथ की लगाई थी, तो हम यहाँ पर इसको मॉल में लेकर गए हुए हैं, वहाँ पर ये खुद झूले के ऊपर बैठकर, जैसे कि आप देखते हैं बाइक के ऊपर वो बैठी हुई है, और बड़ा इंजॉय करिए। ये उसकी 7 मंथ बर्थडे पिक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये 8 मंथ की बर्थडे पिक है उसकी, वो ऐसा क्रिएट कर रही है जैसे कि वो फ़ोन पे बात कर रही हो, बड़ी क्यूट लगती है। कई कई बार ऐसे बच्चे रिएक्शंस देते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट जो इसकी पिक आ जाती है वो 9 मंथ की है, वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो फ्रेंड्स वो अब यहाँ पर बड़ी बड़ी भी लगने लगी है, क्योंकि वो अब 9 मंथ की हो चुकी है और उसने रिड़ना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट जो है उसकी अब ये 10 मंथ की पिक है, देखो इसमें बिल्कुल ही बॉय लुक टाइप आ रहा है उसका, जब वो 10 मंथ कंप्लीट कर चुकी थी और फ़ोन के कवर के साथ वो खेल रही है जब मैंने उसकी पिक क्लिक की है। एंड नेक्स्ट उसकी जो ये पिक है वो 11 मंथ की है, यहाँ पर भी वो कैप लगाकर बड़े अच्छे से प्यारी सी बनकर बैठी हुई है सोफे पर, तो यहाँ पर उसने 11 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमने उसके 1 ईयर की पिक लगवाई है वो बिल्कुल सेंटर में लगवाई है कोलाज के, आप देख रहे होंगे यहाँ उसकी 1 ईयर की पिक है, ये अब 1 ईयर इसने कंप्लीट कर चुकी थी, मतलब कि हमने इसका जो 1 ईयर का बर्थडे बनाया था ये उस दिन की इसकी पिक है। आप सब देख रहे होंगे कितने स्टाइल से वो यहाँ पर बैठी है, ये होटल की पीके है इसकी। तो फ्रेंड्स ये है इसका कोलाज जो हमने बनवाया है, माय फर्स्ट ईयर इसके ऊपर लिखा है, और आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बेड के ऊपर रखा हुआ है, और ये इसमें 12 न्यू बॉर्न टू लेकर, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए, 12 मतलब कि 1 ईयर तक, 12 मंथ तक का कोलाज है इसका। बहुत अच्छी ब्यूटीफुल मेमरीज हैं फ्रेंड्स ये हमारे लिए, बहुत याद कर रहेंगी,
जब भी ये लगा रहेगा हमेशा याद आएगा कि ये ऐसी थी, और जब ये बड़ी होगी तो इसको दिखाने के लिए बहुत अच्छा है कि तू ऐसी थी इस माइंड में, बच्चे को भी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स ये इसके साथ ना लाइट दे रखी है, ये भी मैंने इसको वॉल पर हैंगिंग नहीं किया है, तो ये लाइट्स ये देखो ऐसे चलती हैं, सारी तरफ लाइट्स लगी हुई थी, हमने इसे उतार दी है तो ये आपके फ्रेम के चारों तरफ लाइट्स लग जाएंगी। देखो कितना क्यूट लग रही है लाइट भी ये, और ये लाइट का यहाँ बटन है तो आप इसको यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सॉरी ये क्लास था फ्रेंड्स जो मैंने आप सभी के साथ ये शेयर किया अपना 1 ईयर बेबी का। इसके बैक पर फ्रेंड्स ऐसे हुक्स दे रखे हैं ताकि आप इसको वॉल पर देख रहे होंगे कि अच्छे से जो है वो हैंग कर सको, आपको कुछ नहीं है, 2 किल्स लगानी है और इसको आप वॉल पर जो है वो अच्छे से हैंग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड कोलाज है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको अगर इसे बड़ा साइज भी बनवाना है तो भी बनवा सकते हो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लाइक देना। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।